दोस्तों अभी मैं गंगा जी के पास था, एक विचार मेरे मन में आया, एक विचार उठा इस चीज़ को देखकर। देखिए यहाँ पर ये फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री का सारा गंदा पानी यहाँ से होते हुए सारा गंगा जी में मिल रहा है। मेरे को बहुत ही बुरा हुआ, सच में दिल को दुख होता है ऐसे दृश्य देखकर कि देखो इन फैक्ट्री वालों ने बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा भी हुआ है नमामि गंगे, गंगा को नमन, बट ये कैसा नमन है। सोच रहा कि क्यों सरकार यहाँ पर कुछ ठोस कदम नहीं उठाती, इतनी पावरफुल इधर गंगा और सारा का सारा दुर्गंध वाला पानी सारा का सारा जाकर गंगा में मिल रहा है ना। गंगा जी है भी जो शुद्ध पावन अभी तक बची हुई है ऋषिकेश में, तो अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बट ऐसा चलेगा तो सोचो कुछ सालों में आने वाले पीढ़ियों के लिए हम क्या बचाएंगे ना। गंगा जी को दूषित कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर करना, अपने विचार जरूर बताना। मेरा मानना है कि सरकार को सच में इसके प्रति ठोस कदम लेने चाहिए कि कोई भी गंगा जी में ऐसे नहीं करेगा, है ना। पता नहीं ये कैसे ब्लैक में चल रहा है या फिर कैसे ये ऐसे कर रहे हैं ना, सरकार के पीछे से कर रहे हैं पता है सरकार को, बट गलत है, बहुत दुख होता है ऐसा कुछ देख करके। पूरा पूरा गंदा दुर्गंध भरा पानी सारा गंगा जी में डाल रहे हैं।